यो एवरीवन, दिस इज इरफान एंड वेलकम टू माय कंट्री माय राइड। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है माय कंट्री माय राइड के एक और ब्लॉग में। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सागर मोटर डीलरशिप पे हम आपके लिए गाड़ियाँ एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो कल आपने देखी डीलरशिप की वीडियो, तो आज है सिंगल गाड़ी का शूट, जिसमें आज जो गाड़ी हम आपको दिखाएंगे वो है पजेरो स्पोर्ट। इस गाड़ी को पूरी अच्छे तरीके से जानेंगे और जानेंगे कि इस गाड़ी में क्या क्या फीचर आते हैं लोडेड। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरी देखना और अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना ये लाल कलर का बटन दबा के, और उसके बाद जो नोटिफिकेशन बेल आती है उस पर भी क्लिक कर देना, ताकि जब जब मैं नई वीडियो डालूँ 10 बजे तो उसकी नोटिफिकेशन जाए सबसे पहले आपको। और अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, ये इंस्टाग्राम की आईडी आ रही है, क्योंकि बहुत सारी बिहाइंड द स्टोरी अब मैं आपको सीधा इंस्टाग्राम पर बताता हूँ। और दोस्तों, आज का जो स्पेशल शाउटआउट है वो उस सब्सक्राइबर को जाता है जिसने हमारी वीडियो पर बहुत अच्छा कमेंट किया। तो द स्पेशल शाउटआउट गोज टू रुपेंद्र सिंह, थैंक यू सो मच भाई कि आपने माय कंट्री माय राइड की वीडियो पे कमेंट किया। तो अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कि आज सागर मोटर के स्टॉक में जो पजेरो स्पोर्ट आई है वो कितनी लोडेड होने वाली है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, तो अब आपका स्वागत है और आज दोबारा से हैं हमारे साथ हमारे सूरज भाई। सूरज भाई, वेलकम टू माय कंट्री माय राइड, और सारे भाइयों के ऊपर हेलो कर दो। हेलो एवरीवन, हेलो अगेन। कल स्टॉक दिखाया, बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियाँ थी, बट स्टॉक में उनके अलावा भी बहुत अच्छी गाड़ियाँ हैं जो हमने सेपरेटली रखी भाइयों के लिए, क्योंकि ये गाड़ी बहुत स्पेशल है। बिल्कुल सर, जाने फिर गाड़ी के बारे में। बिल्कुल सर, अब सबसे पहले इस गाड़ी को आप देखोगे तो ये है जी पजेरो स्पोर्ट। बिल्कुल सर, इसके बारे में बिना किसी देरी के भाइयों को बताओ कि ये गाड़ी कितनी लोडेड है। वैसे सर, फुली लोडेड गाड़ी है ये, 2013 मॉडल है। अच्छा, और फर्स्ट ओनर है ये। ओके, और गाजियाबाद नंबर है ये गाड़ी, UP 14 होता है। ओके, और ब्लैक कलर की है ये, मैनुअल ट्रांसमिशन में है। अच्छा, मैनुअल है गाड़ी, 4x4 मैनुअल। 4x4 मैनुअल, हाँ जी सर। अगर हम लद्दाख जा रहे हैं भाई लोग, तो कितने बंदे जा सकते हैं इसमें? सर, इसके अंदर 7 बंदे तो आराम से जा ही सकते हैं, 8 भी जा सकते हैं। 7 बंदे बिठाने के बाद भी स्पेस काफी है सर, बच जाता है। इसका बूट स्पेस भी देखेंगे तो काफी बूट स्पेस भी मिलेगा आपको इसके। ये देखिए, बिल्कुल ही मिंट कंडीशन में खड़ी है, लाइक अ ब्रांड न्यू कंडीशन। यहाँ पे क्या कहते हो, मतलब ये खुल जाएगा क्या? हाँ जी सर, ये टूल किट वगैरह रखने के लिए है और मॉपिंग क्लोथ रखने के लिए है। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया बात है। तो आप करते हैं इसे क्लोज। पजेरो स्पोर्ट अंदर से कितनी लोडेड होती है? सर, फुली लोडेड होती है अंदर से भी। आपको इसके अंदर मिलेगा प्योर लेदर इंटीरियर, अच्छा, स्टीयरिंग कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल। आपको इसके अंदर मिलेगा टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम बाय मित्सुबिशी। ओके, उसके अंदर आपको मिलेगा नेविगेशन, उसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल स्टीयरिंग, सब कुछ। बस अंदर जाके सुनेंगे ये सब चीजें। तो बिल्कुल, टायरों के बारे में बता दो पहले। सर, टायर इसके अंदर ब्रांड न्यू डले हुए हैं, योकोहामा कंपनी के। ओके, और ये हल्क ये गाड़ी है और हल्क एडिशन ये टायर्स हैं। बहुत अच्छी बात करी, हल्क की बात करें तो कितने इंचेस अलॉय होंगे? सर, इसके अलॉय जो होते हैं कि 17 इंचेस अलॉय आते हैं, और इसके अंदर हमारे को अभी हम देखेंगे ब्रॉड ट्रैक्टर हल्क टायर्स डले हुए हैं इसके अंदर। अच्छा, मैं अगर इसको हल्क नाम दूं तो गलत नहीं होगा? बिल्कुल गलत नहीं होगा सर, बेस्ट नेम होगा। बैठे मेरे हल्क में सर, प्लीज आइए बैठने और जानते हैं कि अंदर से कितने ही लोडेड होने वाला है ये हल्क। तो आइए अंदर आइए। तो भाई, अब आ चुके हैं हम सामने, ही आपने देखा मित्सुबिशी मोटर्स, इन्होंने भी अपनी डीलरशिप डाली है क्या? सर, इनकी गाड़ी है, ये ओनर है। ये बहुत सही है, तो ओनर है, लेकिन इस गाड़ी के अब ओनर है सागर मोटर, जहाँ पे ये गाड़ी आपके लिए सेल पे अवेलेबल है। ओनर ढूंढ रहे हैं, ओनर ढूंढ रहे हैं। ये फर्स्ट ओनर है ना? हाँ, ये फर्स्ट ओनर है। अब जो आएगा वो सेकंड होगा, वो सेकंड ओनर। एसी चलाओ, क्योंकि गर्मी में मैं देखना चाहता हूँ, ताकि अपने भाई को बता सकूँ कि एसी कितना अच्छा है इसका। बिल्कुल सर, अब गाड़ी की कंडीशन देख के आप बता नहीं सकते कि ये सन 2013 का तेरह मॉडल है। हाँ जी, ये पजेरो वैसे कब आई थी, एनी आइडिया? सर, पजेरो, ये पजेरो स्पोर्ट्स जो है ये 2012 में आई थी। उससे पहले जो पजेरो आई थी सर, वो नॉर्मल ऑर्डिनरी पजेरो होती थी, उसको बुलडॉग शेप कहते थे, और उसके बाद पजेरो स्पोर्ट्स आना शुरू हो गई, और आज तक पजेरो स्पोर्ट्स यही शेप आ रही है, ये करंट शेप ही है। मुझे, अच्छा, ये करंट शेप है? हाँ जी सर, 2012 में यही शेप लॉन्च हुई थी, ये गाड़ी 2013 मॉडल है, और आज तक यही शेप आ रही है।
पजेरो स्पोर्ट्स अभी आती है 19 में? बिल्कुल आती है सर। अगर खरीदने जाऊंगा तो यही शेप मिलेगी? बिल्कुल यही शेप मिलेगी सर। पक्की बात है? 100%। तो फिर पैसे बहुत ही ज्यादा होंगे इसके। नई सर, नई गाड़ी आपकी 33 लाख रुपीज के आसपास आती है। ऑन रोड सर 32-33 लाख के आसपास। 30 लाख प्लस गाड़ी बहुत ही महंगी हो जाती है। अब ये गाड़ी, वैसे जब भी पजेरो का मैं नाम सुनता हूँ मुझे एक ही चीज दिमाग में आती है, ऑफ रोडिंग। बिल्कुल सर, ये प्योर ऑफ रोडर प्रोडक्ट है। यानी हाँ जी बिल्कुल सर, पजेरो प्योर ऑफ रोडिंग है। उसके लिए आप देखेंगे ये 4x4 गाड़ी है। ये 4x4 लीवर अलग है, ये नॉर्मल हमारा गियर लीवर है। इसके अलावा भी इस गाड़ी में आपको बहुत फीचर्स मिलेंगे। 4x4 एक बार समझाओगे क्या होता है? सर 4x4 मतलब ये गाड़ी जैसे हम रेगुलर जब हम चलाएंगे तो ये टू व्हील ड्राइव पे रहेगी, दो टायर घूमेंगे। हाँ जी सर, दो टायर घूमेंगे। जब हम इसको ऑप्शनल पे 4x4 कर देंगे तो ये फोर व्हील ड्राइव हो जाएगी गाड़ी। पकड़ ज्यादा हो जाती है? बिल्कुल सर, चारों पहिए घूमने लग जाते हैं। सही बात है। अब इसके अंदर कुछ अगर आफ्टर मार्केट लगा तो वो भी जरूर बताएं। आफ्टर मार्केट कुछ भी नहीं है क्योंकि लगाने की गुंजाइश नहीं है इस गाड़ी में। ये केनवुड भी पजेरो ही देती है? हाँ जी सर, ये बाय डिफॉल्ट आता है। तभी जैसे ये स्टार्ट हुआ था तो मित्सुबिशी मोटर्स लिखा हुआ आया था। अच्छा अच्छा। ये वाला जो म्यूजिक सिस्टम इसका है, इसके अंदर सारे फीचर्स आपको मिलेंगे। जैसे कि आप देखेंगे ये टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम है और इसके अंदर आप देखेंगे आपको नेविगेशन भी इसके अंदर मिलता है। ये भी इनबिल्ट है सर। नेविगेशन भी इसके अंदर इनबिल्ट है। और अगर आप और फीचर्स वाइज देखेंगे तो इसके अंदर पेन ड्राइव, ब्लूटूथ, हर एक चीज तो लगती ही है। म्यूजिक सिस्टम वाइज अगर हम देखेंगे, नीचे उसके अगर आएंगे तो हम देखेंगे इसके अंदर ये क्लाइमेट कंट्रोल एसी दिया हुआ है कंपनी ने। हाँ जी। और उसके अलावा इधर अगर आप देखेंगे तो स्टीयरिंग कंट्रोल है, लेफ्ट साइड पे आपके वॉल्यूम और ऑडियो कंट्रोल्स है, एंड राइट साइड पे आपका क्रूज कंट्रोल है। इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट्स तो होनी है इस गाड़ी के अंदर। बिल्कुल, प्रॉपर 7-सीटर गाड़ी है। बिल्कुल सर। अब इधर अगर आप स्पेस गएंगे तो बहुत ही आर्मरेस्ट देखेंगे आप, तो इधर बहुत अच्छी स्टोरेज के लिए भी आपको दे रखा है। इनफैक्ट जो लोग सिगरेट वगैरह पीते हैं उनके लिए एस्ट्रे का काम, डू नॉट स्मोक इट इज इंजूरियस टू हेल्थ के अंदर देते हैं। और बाकी इसका प्योर लेदर इंटीरियर होता है। सीट कवर इसमें चढ़े तो नहीं हुए? नहीं सर, ये प्योर लेदर के सीट कवर्स हैं जो आते हैं बाय डिफॉल्ट। एक चीज आप इसके अंदर और देखेंगे, जितनी भी ये सीट्स हैं इनके अंदर छोटे छोटे पोर्स हुए हैं, तो ये क्रॉस वेंटिलेशन भी होती है इसके अंदर, ताकि आपकी बैक जो होती है, जो नॉर्मल जैसे अगर आप फॉर्च्यूनर से कंपेयर करेंगे तो उसके अंदर प्योर लेदर ही आता है सिर्फ, लेकिन इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर पोर्स हैं बीच में। फॉर्च्यूनर की वैसे आप बात कर रहे हो, वैसे एक बात है इस गाड़ी में, वैसे तो मैं बहुत बार बैठा हूँ बट आज प्रॉपर अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर रहा हूँ। बिल्कुल, गाड़ी दमदार है ये। बिल्कुल दमदार है, अंदर बैठ के लग रहा है कि हाँ भाई ये गाड़ी एसयूवी तो है, लेकिन एक्सयूवी 500 भी एक एसयूवी गाड़ी है, बट दिस इज लाइक सर ये उससे ज्यादा लग्जरियस है। इसके अंदर अगर आप देखो इसको चलाने का जो तरीका है, ड्राइविंग प्लेजर है वो एक बहुत सॉलिड है। जैसे बुलेट होती है ना सर? हाँ जी, बुलेट इरफान भाई चलाते हैं। ये सही है, हर बंदा तो नहीं चला सकता, तो वही चीज है जो एक हेवी जिसे कहते हैं ना, एक चलाने के अंदर दम होना चाहिए, ड्राइविंग का प्लेजर आना चाहिए, फीलिंग आनी चाहिए, वो इस गाड़ी में आपको मिलेगी। फीलिंग है इस गाड़ी के अंदर। अब आपको किलोमीटर दिखाता हूँ क्योंकि हम बताएंगे नहीं, हम सीधा दिखाएंगे किलोमीटर इसके। ये चलिए 66,257 किलोमीटर्स विद सर्विस रिकॉर्ड 100%। पजेरो एवरेज कितनी देती होगी? सर ये भी 11 की एवरेज ही देती है, जैसे मैंने आपको बताया था फॉर्च्यूनर की 11 टू 12 की ही एवरेज आती है इसकी। अच्छा। और ये मैनुअल ट्रांसमिशन में है, जब आप 4x2 में चलाएंगे तो इतनी एवरेज आएगी। 1-2 पॉइंट का फर्क पड़ सकता है जब आप इसको 4x4 ऑल व्हील ड्राइव वर्जन में चलाएंगे। कहीं फंसेगी गाड़ी वैसे? सर फंसेगी तो नहीं, फंसेगी तो 4x4 चलाएंगे और निकल जाएगी। अगर हम लद्दाख वदाख के ट्रिप में कहीं फंस गए इसके पानी में, 4x4 मारो और ये गियर लगाना है और पंजा दबाना है और गाड़ी गोली हो जाएगी। ये 4x2 है तो दो आगे सिर्फ पीछे के दो टायर चलेंगे, आगे के नहीं चलेंगे। ओके, हम इसको अगर 4x4 कर देंगे तो देखो अब चारों व्हील्स पे स्टिफ हो गई। स्टिफ हो कितनी सही है, देखो दोबारा करके दिखाता हूँ। ये देखो अब ये 4x2 है, अब ये 4x4 है। नॉर्मल रोड्स पे जैसे हम नॉर्मल ड्राइव कर रहे हैं तो 4x2 इज गुड। अगर 4x4 पे चलाएंगे तो एवरेज पे फर्क पड़ेगा और उसकी नीड नहीं है। अब आगे आप देख सकते हैं फुली एयर बैग, इधर भी देखो SRS एयर बैग, ऊपर भी एयरबैग, इधर स्टोरेज के लिए मिल जाता है। वुडन फिनिश है बकायदा, बहुत ही प्रीमियम वुडन फिनिश के अंदर है इधर, अगर आप देखेंगे तो अच्छे तरीके से। और इसके ब्लोअर्स भी सर पीछे तक अगर आप देखेंगे तो जो ब्लोअर वेंट्स हैं वो बिल्कुल सबसे पीछे तक भी होते हैं, ताकि हर इंसान को अच्छी तरीके से एसी की हवा आनी चाहिए। तो एक काम करते हैं ना, पीछे बैठ के हम भी खाते हैं एसी के बाद, आओ फिर पीछे दिखाते हैं। तो भाई अब आ चुके हैं सूरज भाई के साथ पीछे, और पीछे का भी जो मतलब ड्राइविंग प्लेजर की बात छोड़ो, राइडिंग प्लेजर कितना बढ़िया होगा सर। आप लेग स्पेस देखो, आप पीछे मतलब आप देखो ना भाई बैठे हुए हैं और आप देखिए पीछे कितने लेग स्पेस, राइडिंग मतलब पोजीशन देखो जिस हिसाब से हम बैठे हैं, मतलब कंफर्टेबली बैठे हूँ। और इनफैक्ट ये गाड़ी काफी ऊपर है, ये देखो ये हो गया ना,
मतलब इसके अंदर एक आपको फील ये रोड ट्रिप के लिए बहुत परफेक्ट गाड़ी होगी, यानी बिल्कुल परफेक्ट। पीछे वाले अगर जो दो बंदे बैठेंगे, सेवन सीटर है गाड़ी, पीछे भी कंफर्टेबली बैठ जाएंगे, पीछे भी कंफर्टेबली बैठेंगे। और जो रेयर एसी वेंट्स है वो इसके इधर दिए हुए हैं कूलिंग के लिए, कोई यहाँ पे नहीं है। वैसे मुझे तो सही बताऊँ, मेरी अगर मैं पर्सनल ओपिनियन बताऊँ तो मुझे पीछे वाले रेयर एसी वेंट्स यहीं पे ज़्यादा, यहाँ पैर लगते रहते हैं। और यहाँ पे दो जैसे हो गए हमारे लिए, पीछे भी यहाँ पे भी दो हैं, मतलब जो वेंट्स सबसे पीछे वालों। तो फिर ये पता क्या होगा, जब रोड ट्रिप पे हम सारे दोस्त जाएंगे ना, तो वो जो सबसे पीछे बैठेगा ना, वो ये किच नहीं करेगा कि यार तुमने हवा नहीं आ रही यार, तुमने तो सारे, क्योंकि ये हमेशा होता है पीछे वाली सीट पे कोई नहीं बैठता इसलिए कि पीछे से हवा नहीं पहुंच पाती। बिल्कुल होता है, बट इसमें पहुंचा देंगे हवा। सन 2013 मॉडल है, 60 प्लस ये गाड़ी चल चुकी है और गाड़ी खड़ी है सागर मोटर पे, पजारो स्पोर्ट। डील को क्रैक करवाएंगे और डील अच्छी दिलवाएंगे, क्योंकि आपने हमें बहुत इज्जत दी है तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको भी हम अच्छी डील दिलवाएं। बिल्कुल सर, 33 लाख की बता रहे हो आप इसे ऑन रोड? हाँ जी सर, न्यू गाड़ी 32 से 33 लाख की आती है। क्या बोलते हो, ये गाड़ी आधी कीमत में आएगी उसके? सर आप बोलो ना, ऐसा हो सकता है? आधी से भी थोड़ी और कम पैसे बचेंगे, 2-3 लाख। तो कह ही रहा हूँ, आप बोलो और ऐसा ना हो सकता है? नहीं सर, आपके पैसे बचवाएंगे हम। इस गाड़ी की सर डील जो है कि हमने 13 लाख रुपीस की रखी हुई है, 13 लाख रुपए इसका आस्किंग प्राइस है, बाकी वो नेगोशिएबल प्राइस है। ये गाड़ी 66,000 चली है विद सर्विस रिकॉर्ड, ओके। ऑल ओरिजिनल है ये गाड़ी, पूरे ओरिजिनल पेंट की है, सिर्फ बम्पर्स वगैरह रीपेंट है, बाकी पूरी ओरिजिनल पेंट की है। 4x4 मैनुअल, ब्लैक कलर, UP14 गाजियाबाद का इसका नंबर है, रजिस्टर्ड है ये गाड़ी, फर्स्ट ओनर है, इंश्योर्ड भी है गाड़ी। तो सब कुछ है इस गाड़ी के अंदर, आपको आना कुछ नहीं है, सिर्फ डील क्रैक करनी है, थोड़ी सी नेगोशिएशन आपके लिए कर देंगे, रिकॉर्ड रख देंगे, उसके बाद आपको चाबी दे देंगे और उसके साथ आपको एक लिफाफा और देंगे जिसमें लिखा होगा थैंक्स फॉर विजिटिंग सागर मोटर्स। यानी बिल्कुल सर, लेटर घर आएगा, लेटर घर आएगा, ये बहुत अच्छा। अच्छा आता है? हाँ जी सर, वो तो मुझे देखो, मुझे पता नहीं, मुझे वैसे बता दिया मैंने, इतना तो करते ही होंगे भाई। बिल्कुल करते हैं, माय कंट्री मैरिड भी लिखा करो उस पर, जरूर लिखा, ये बहुत अच्छी बात है। तो भाई ये इसकी डील थी बहुत ही जबरदस्त, 13 लाख रुपए की इसकी डील है, जो कि है नेगोशिएबल ऑन टेबल, 2013 मॉडल और गाड़ी है बिल्कुल ही मिंट कंडीशन में। तो जो भी मेरा भाई कहीं से भी देख रहा है, NOC भी दे देंगे इस गाड़ी की पूरे इंडिया के किसी भी कोने से अगर आप हो तो। माय कंट्री मैरिड में आपको नेक्स्ट वीडियो में, यानी कल, क्योंकि कल भी आने वाली है सागर मोटर की एक और बहुत अच्छी गाड़ी। टिल द टाइम थैंक्स वॉचिंग माय कंट्री मैरिड, सी यू, बाय बाय फ्रॉम सागर मोटर, और एक बार बाय जरूर कर दें। बाय एवरीवन, सी यू टुमारो, बाय बाय जी।